अस्सलाम वालेकुम। ओके गाइस, तो अब हमने करनी है आई की एग्जामिनेशन में हमारा अगला जो मेथड है दैट इज कन्फ्रंटेशन मेथड से हमने पेशेंट की विजुअल फील्ड्स चेक करनी है। ठीक है, आपके पास ये कमांड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में एक्स्ट्राऑक्युलर मूवमेंट्स है, देन आपकी पुपिलरी रिफ्लेक्सेस है, एंड थर्ड पे आपका कन्फ्रंटेशन मेथड बाय सॉरी विजुअल फील्ड्स बाय कन्फ्रंटेशन मेथड होता है। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड होता है। कुछ चीज़ें इसमें बहुत बड़ी बड़ी वही बात है ब्लंडर वाली आ जाती है जो बच्चे कर देते हैं। आपको जब दो तीन दफ़ा प्रैक्टिस किया होगा ना तो आप वाले ब्लंडर्स नहीं मारेंगे। अब इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने कन्फ्रंटेशन ये होती है कि आप पेशेंट को और अपनी विजुअल फील्ड को कंपेयर करेंगे, तो आपकी विजुअल फील्ड बिल्कुल ठीक होनी चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात यह है कि आपने जब भी आपके पास कमांड आते तो अपने पेशेंट को इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेंट लेना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर यूसुफ है, मुझे आपकी आंखों का मुआयना करना है, उम्मीद है आप काबुल करेंगे और दौरान मुआयना आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब ये डेफिनेट सी बात है कि हमारे पास जो पेशेंट है हमने उसको कोई आंख में रोशनी नहीं डालनी, तो हमें बताने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने अगली चीज़ ये करनी है कि आपने पेशेंट की आर्म्स डिस्टेंस पे बैठ जाना है खुद, ठीक है, और बिल्कुल पेशेंट के लेवल पे बैठना है। कन्फ्रंटेशन में बहुत ज़रूरी है कि आपका और पेशेंट का जो लेवल है वो बराबर होगा। तीसरी बात ये है कि आपने इसमें पेशेंट को कमांड बिल्कुल ठीक से देना है, क्योंकि आपकी विजुअल फील्ड जब ठीक है तो पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट करेगा, तो उसकी विजुअल फील्ड चेक हो सकेगी। अब आपने ग्रॉस विजुअल फील्ड चेक कर देनी है। ये कितने हैं थ्री। ठीक हो गया, ग्रॉस हमने चेक कर ली। अब मैंने उसे कहना है अपने पेशेंट को कि अपनी दाएं आंख को अपने हाथ से ढक लें इस तरह से, ठीक है। अब वो खुद से ढक लेगा अपनी दाएं आंख को, और आपने अपनी लेफ्ट आई को ढक लेना, यानी आपकी और पेशेंट की जो सामने आंख आ रही है ना वो वाली आंख दोनों की खुली हुई होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब उसकी लेफ्ट अगर खुली हुई है तो मेरी राइट खुली हुई होगी इस टाइम, ताकि मैं बराबर बराबर देख सकूं। ये होगी हमारी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने पेशेंट को कमांड क्या देना है, आपने अपनी बाएं आंख से मेरी दाएं आंख में देखना है, यानी आपने अपनी आंख से मेरी जो खुली हुई आंख है उसमें देखना है। ये बात इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट आपका कहीं इधर उधर देखेगा ना तो आप विजुअल फील्ड बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका पेशेंट आप ही की आंख में देख रहा हो, और दौरान मुआयना भी पेशेंट कई बार ऐसा करते हैं कि वो इधर उधर देखने लग जाते हैं या फिर आपकी उंगली की तरफ देखने लग जाते हैं, तो आपने फौरन उनसे कहना है कि आप मेरी आंख में देखें। ये बात आपके एग्जामिनर सबसे ज्यादा नोट कर रहे होते हैं कि आप दौरान मुआयना ये कहते हैं या नहीं कहते, क्योंकि अगर आप नहीं कहते तो ये बात कन्फर्म है कि आप पहली बार करने आए और आपको पता ही नहीं कि पेशेंट ने देखना एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो ये बात होगी, ठीक है। अच्छा, मैंने पेशेंट को काफी देर से बेचारे से आंख कवर करवाई हुई है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। इसमें आपकी एक उंगली आपने अपनी इस्तेमाल करनी है, और उंगली कहाँ पर होनी चाहिए, मेरे और पेशेंट के दरमियान में, मतलब ये मेरा और उसका आर्म्स डिस्टेंस है, आर्म्स लेंथ डिस्टेंस है, इसके दरमियान में रखूंगी मैं अपनी उंगली, और अपनी उंगली को मैं लाऊंगी सबसे पहले सुपीरियर एंड लेफ्ट, चार क्वाड्रेंट्स बना लें अपने सामने, राइट साइड का सुपीरियर, राइट साइड का इन्फीरियर, लेफ्ट साइड का यहाँ से सुपीरियर एंड लेफ्ट साइड का इन्फीरियर, दैट्स इट, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कर ली है अपनी लेफ्ट आंख कवर, और पेशेंट से करवाई गई है राइट आंख कवर। पेशेंट को मैंने कह दिया कि आप अपना सर सीधा रखना है, सर नहीं हिलाना, ठीक है, और मेरी दाएं आंख में देखते रहना है, उसके अलावा आपने इधर उधर नहीं देखना। मैं अपनी उंगली हिलाते हुए अंदर लेके आऊंगी, जब आपको मेरी उंगली जैसे ही नजर आना शुरू हो तो आपने मुझे बताना है कि उंगली नजर आ गई है, ठीक है। ये बात आपने पेशेंट को बता दी है कि उसे जैसे ही मेरी ये वाली उंगली ऐसे हिलती हुई नजर आएगी उसने साथ ही बताना है, लेकिन देखना मेरी आंख में है। पेशेंट को बाकायदा आपने गाइड कर दिया। अब दरमियान में यहां पर से मैं उंगली राइट सुपीरियर क्वाड्रेंट पे रखी हुई है, अभी मुझे भी नजर नहीं आ रही और पेशेंट को भी नहीं आ रही, लेकिन देखती हूँ उसे जैसे ही नजर आएगी आपने मुझे बताना है। चलिए, पेशेंट को नजर आ रही है, इसका मतलब ये कि उसे ठीक जगह नजर आ रही है जहां पर मुझे नजर आ रही है। अब मैं लेफ्ट राइट और इन्फीरियर से स्टार्ट करूंगी, ठीक है, राइट इन्फीरियर से भी मैं यहां पर से स्टार्ट करूंगी, देखते हैं कि अब उसको नजर आ रही है नहीं आ रही, ओके उसको आ रही है। अब मैं क्या करूंगी कि अब मैं अपने दूसरे आंख से कवर कर लूँ, क्योंकि मैंने भी विजुअल फील तो इसी आंख की चेक करनी है ना, तो अब मैं अपने हाथ को चेंज करूंगी और मैं अब अपना दूसरा वाला हाथ ले लूंगी, मतलब मैं अब अपने आंख अपने राइट हैंड से मैंने अपनी आंख कवर की हुई और लेफ्ट हैंड अब मैं अपना इस्तेमाल कर रही हूँ, और अब मैंने इधर से शुरू करना है इसको अपने लेफ्ट एंड सुपीरियर क्वाड्रेंट से, ठीक है। अब उसे सही जगह नजर आ गई, एंड लेफ्ट एंड इन्फीरियर से आऊंगी मैं आगे नजर, एग्जैक्टली जिस जगह मेरे पेशेंट को आप अपना हाथ हटा लें नजर आ रही है उसी जगह पर मुझे भी नजर आ रहा है। दिस पेरीमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें तीन चार चीजें मैंने आपको क्या बताई हैं, पेशेंट का हेड स्टेबलाइज होना चाहिए, पेशेंट ने आप अपनी आंख से आप ही की आंख में